इन्फ्लेमेटरी कंडीशन था। अब जो कंडीशन है ये बेसिकली नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजनरेटिव कंडीशन, डीजनरेटिव कंडीशन है जिसमें चेंजेस हो जाती है किसके अंदर, जो स्केलेटल मसल्स हैं मेनली है, जो ओरिजन होगा जो काज होगा वो नॉन इन्फेक्शियस काज होगा। अगर इन केस मसल्स के अंदर जो है कोई डीजनरेटिव चेंजेस आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, मायोपैथी। और ये मोस्टली जो है इसके अंदर क्या होगा, ये जो है नॉन इन्फेक्शियस काज की वजह से होंगी, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया कोई वायरस कोई उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। केस हमारे पास क्लिनिक में कोई ऐसा केस आ जाए कि वो हमें कहते हैं इसके जो मसल्स है इसकी वीकनेस स्टार्ट हो गई, मसल वीकनेस, और वो कहते हैं कि इसके अंदर सोडो पैरालिसिस है, सोडो पैरालिसिस। कुछ कंडीशन के अंदर मायोग्लोबिनुरिया भी हो जाता है, मायोग्लोबिनुरिया एंड हाइलिन नेक्रोसिस, हाइलिन नेक्रोसिस, जो हाइलिन काटी रहे जो है उसकी नेक्रोसिस हो जाए। हमेशा याद रखें कि अगर इन केस हमारे पास कोई इस तरह केस आ जाए क्लिनिक के ऊपर कि वो कहते हैं कि इसको चलने फिरने में मसला है, कभी पैरालाइज हो जाता है, कभी ये चुट भी जाता है, मसल वीकनेस स्टार्ट हो गए, कंडीशंस के अंदर इस तरह भी हो सकती है कि यूरिन के अंदर जो है रेडनेस आ जाता है मायोग्लोबिन की वजह से। कुछ कंडीशन इस तरह होते हैं कि जो हाइलिन कार्टिलेज है उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसी कौन सी कॉजेज है जिसकी वजह से डेवलप हो सकती है, तो इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है वो है न्यूट्रिशनल काज। हमने पहले कहा था कि बेसिकली नॉन इन्फेक्शियस काज की वजह से हो जाता है, मतलब ये है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जो इन्वॉल्व है वो है नॉन इन्फेक्शियस एजेंट जिसमें न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल एक फैक्टर है। एक नाम है डिजीज का जिसको हम कहते हैं एक्सोटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक्सोटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये सर की आवाज सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। आप लोग मुझे सुन रहे हैं सर? अभी आपकी आवाज आई है।
चलो सही है, ये सी कैमरे से स्टार्ट कर लेते हैं और दूसरी सी है, मुझे लग रहा है कोई नेट इश्यू है। यहाँ से सबको नजर आ रहा है ना? तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, जी जी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से जो है एक कंडीशन डेवलप हो जाता है, एक डिजीज डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सोटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या इसको हम व्हाइट मसल डिजीज भी कहते हैं, सही है। और ये मोस्टली होते हैं यंग ग्रोइंग एनिमल के अंदर, यंग ग्रोइंग एनिमल के अंदर जो है ये डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप हो जाता है? ये विटामिन ई एंड सिलीनियम डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। तो हफ्सा, विटामिन ई और सिलीनियम का फंक्शन क्या है? सर ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आप लोग देख लेते हैं यंग ग्रोइंग एनिमल के अंदर जो है रैपिड जो है मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहां पर जो फ्री रेडिकल्स बनने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर इनकेस विटामिन ई और सिलीनियम की डिफिशियंसी हो किसी भी फीड के अंदर, या हम उनको नहीं दे रहे हैं, या उनकी बॉडी के अंदर कमी आ रही है, तो उसकी वजह से एक डिजीज डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट मसल डिजीज या एक्सोटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सही है, समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। अब इसको अगर आप लोग जो है बुक के अंदर देख ले कि लाइपो पर ऑक्सीडेशन जो है इसके अंदर हो जाता है, लाइपो पर ऑक्सीडेशन। चौधरी साहब क्या मसला है, ये कौन है सी एच वाला जब दूसरी कैमरे के ऊपर लगा हुआ है सी एच? तो इसी की वजह से भी ये डेवलप हो जाता है अगर न्यूट्रिशनल जो है डिफिशियंसी हो। दूसरा है ओवर फीडिंग और ओवर एग्जॉर्प्शन। अगर हम कोई ऐसा फीड दे दे, ओवर फीडिंग करवा दे या ओवर एग्जॉर्प्शन करवा दे, ओवर एग्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवा दे, तो उसी की वजह से भी जो है डेवलप हो जाता है। ओवर फीडिंग की वजह से भी हो सकता है और ओवर एग्जॉर्प्शन की वजह से भी हो जाता है। अगर हम किसी भी एनिमल को फोर्सफुल एक्सरसाइज करवा दे, फोर्सफुल एक्सरसाइज करवा दे, अगर इन केस हमने उनको कुछ दिन के लिए रेस्ट में करवा दिया था, मैं आपको दोबारा इसको क्लियर कर लेता हूं। अगर एग्जांपल, हमने मोहम्मद अमीर को अभी जो है रेस्ट करवाया है, मतलब वो अभी नहीं खेल रहा ना, वो जो है रूटीनली जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं अगले दिन उनको कह दूं कि आज आप श्रीलंका के खिलाफ या अफ्रीका के खिलाफ अभी जो है आपने जो है ये बॉलिंग करनी है, तो अब उनको हम फोर्सफुली एक्सरसाइज करवाएंगे जिसकी वजह से मसल ब्रेक डाउन हो सकता है, और मसल ब्रेक डाउन की वजह से जो है उनके अंदर जो है मायोपैथी या डीजनरेटिव कंडीशन जो है डेवलप हो सकती है। क्योंकि मसल के अंदर आप लोगों को ये पता होगा कि मसल के अंदर एक चीज मौजूद है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन स्टोरेज है। अगर इन केस हम किसी भी बंदे को जो है फोर्सफुली एक्सरसाइज करवा देते हैं, तो यही ग्लाइकोजन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और ये मोस्टली जो है जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये एनएरोबिक कंडीशन के अंदर हो जाता है, एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, और जिसकी वजह से इसका जो ई प्रोडक्ट बन जाता है वो है लैक्टिक एसिड, सही है, जिसकी वजह से जो है वहां पर जो है मसल डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मीन मायोपैथी डेवलप हो जाता है। अगर हम उनको फोर्सफुली एक्सरसाइज करवा दें और कुछ दिनों के लिए वो पहले से रेस्ट में था, तो मसल के अंदर एक चीज जो है जिसको स्टोर फॉर्म में मौजूद है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, और वही ग्लाइकोजन अगर इन केस ब्रेक डाउन हो जाए इन एनएरोबिक कंडीशन, तो उसका जो ई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो ई प्रोडक्ट जो है वो होगा लैक्टिक एसिड, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से जो है डीजनरेटिव चेंजेस जो है हो जाते हैं। कुछ कंडीशन इस तरह होती है जिस तरह मैंने आपको उस दिन मिसाल दिया था जिसको हम कहते हैं मंडे मॉर्निंग डिजीज, मंडे मॉर्निंग डिजीज। हफ्सा ने क्वेश्चन भी इसके मुताबिक पूछा था,
मंडे मॉर्निंग डिजीज हम किस चीज को कहते हैं? अक्सर ये होता है कि हफ्ते तक हम एनिमल के ऊपर जो है या जुमरात तक हम एनिमल के ऊपर नॉर्मली जो है एक्सरसाइज भी करवाते हैं और उनको वही फीड दे देते हैं, लेकिन अगर केस हम संडे को उनको जो है देते हैं तो वही फीड दे दे जो हम नॉर्मली देते हैं और उनको एक्सरसाइज नहीं करवाती, तो एक कंडीशन डेवलप हो जाता है जिसको कहते हैं मंडे मॉर्निंग डिजीज। अगर इन केस एक एनिमल है और उनको मैंने एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट दे दिया, एक्सेस में मैंने उनको कार्बोहाइड्रेट दिया संडे को, तो ये बेसिकली एज ए स्टोरेज फॉर्म में मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, सही है। तो इसी की वजह से जो है एक कंडीशन डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं मंडे मॉर्निंग डिजीज, या इसको हम कहते हैं एजोटूरिया भी कहते हैं, एजोटूरिया भी कहते हैं, इसको कहते हैं मायोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं, मायोग्लोबिनूरिया भी जो है इसको कहते हैं, या अगर इन केस एक एनिमल है और हम उनको स्पेशली हॉर्स है और हॉर्स को हम जो है संडे को कार्बोहाइड्रेट फीड बहुत ज्यादा दे रहे। अब एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अब नॉर्मली अगर इन केस आपने सुबह नाश्ता करना होता है फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आना होता है, यूनिवर्सिटी के बाद आप अपना पूरा दिन गुजार लेते हैं, अगले दिन भी, लेकिन अगर आप इस तरह कर ले कि संडे को आपकी छुट्टी है और सुबह उठ के आप नाश्ता कर लेते हैं और वही नाश्ता एक्सेस अमाउंट में कर लेते हैं कि आज मैंने पूरा दिन तो रात तक खाना नहीं है, तो आप पूरा दिन खाना खा लेते तो आपको कहीं ना कहीं जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपने रूटीन को डिस्टर्ब कर लिया। इस तरह हॉर्स का ये मसला है कि अगर इन केस आप उनको संडे को ब्रेक दे देते हैं और संडे के दिन आप उनको कार्बोहाइड्रेट फीड ज्यादा देंगे तो जिसकी वजह से उनकी जो है बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, इंशाल्लाह ये आप लोगों ने आगे पढ़ना भी है, जिसको हम कहते हैं मंडे मॉर्निंग डिजीज, उसको हम एजोटूरिया भी कहते हैं और इसको हम इक्वाइन पैरालिटिक मायोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं, क्योंकि अगले दिन अगर हम उसको एक्सरसाइज करवाएंगे तो वही जो मसल्स है जो उनके अंदर स्टोरेज में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उसी ब्रेक डाउन की वजह से जो है मायोग्लोबिन रिलीज होंगी। वही मायोग्लोबिन क्या होता है, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं किस चीज से, किडनी से, जिस वजह से जो है यूरिन का कलर कॉफी कलर हो जाता है, रेडिश मीन कॉफी कलर, सही है, जो कॉफी कलर है यूरिन का जी। सुबह दोबारा मैं आपको जी अगर इनके मसल का ब्रेक डाउन हो जाए तो मसल से मायोग्लोबिन रिलीज हो जाते हैं, वही मायोग्लोबिन जो है वो जो है किडनी से एक्सक्रीट होके, क्योंकि जब मायोग्लोबिन ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है तो वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाते हैं और उसकी वजह से किडनी की जो यूरिन है उसका कलर चेंज हो जाता है, उसी की बेस पे हम उसको क्या कहते हैं मायोग्लोबिनूरिया, क्या कहते हैं उसको मायोग्लोबिनूरिया कहते हैं। अगर मेरे अलावा एक मिनट, जो मेरे अलावा कोई होस्ट बन गया है या मैं अभी भी होस्ट हूँ तो आप लोग जो होस्ट है उनको कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं उसको जो है एडमिट किया करें, क्योंकि अभी मुझे कैमरा नजर नहीं आ रहा होस्ट कौन है। अली मुराद है होस्ट, अली मुराद, अली मुराद को कह रहे जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं उनको जो है अलाउ किया करें। एक्सक्यूज मी सर, सर वो अभी आप बता रहे थे मंडे मॉर्निंग डिजीज, उससे पहले आपने सर एक केस बताया था कि अगर हम होस्ट को रोज सर दो तीन दिन एक्सरसाइज करवाते हैं उसके बाद सर एक दो दिन गैप दे के फिर जब हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो सर ये तो पिछली डिजीज ना जिसकी आपने पहले बात की थी वाइट मसल डिजीज। जी जी सर, वो वाइट मसल डिजीज की आप बात कर रहे थे कि अगर गैप दे के दोबारा या तो बेसिकली वाइट मसल डिजीज जो है विटामिन ई और सिलीनियम डिफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। ओके ओके सर, मंडे मॉर्निंग डिजीज जो है मसल ब्रेक डाउन की वजह से हो जाता है।
सर ये रीजन क्या है इसके पीछे ब्रेकडाउन की, ये दोबारा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अक्सर ये होता है कि मैं अभी आपको कह देता हूँ कि आज मेरे साथ दौड़ लगा ले, आप मेरे साथ दौड़ लगा लेते हैं, सही है, और आप एक्सेस में इतना दौड़ लगा लेते हैं, लेकिन जब आप रात को जाती है तो आपकी यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड कलर यूरिन स्टार्ट हो जाता है, तो बंदा कहते हैं कि आया मेरी किडनी फेलियर हो गया, आया ये सब क्या मसला हो गया। ये बेसिकली आपके जो मसल्स है उसकी ब्रेक डाउन हो गए और उसकी वजह से मायोग्लोबिन रिलीज हो गया और वही मायोग्लोबिन जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होके निकल गए हैं, सही है, समझ आ गया आपको? जी जी सर, नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज थोड़े टाइम के बाद करते हैं ब्रेक देके, तो ये है कि मसल क्रैम्प्स डेवलप होते हैं, तो वो मसल क्रैम्प्स भी सारी सिचुएशन होती है जो नहीं, अगर आप रूटीन नॉर्मली करो, अब मुझे सुन रहे हैं? नहीं सर, आपकी आवाज कटती थी बीच में। एक मिनट अभी जो है, अब आ गई आपकी आवाज। जी जी अभी दरमियान में नेट चला गया था। यहाँ पर लाइट इशू है तो मैंने मोबाइल दोनों लगाए हैं ताकि वहां से मुझे आइडिया हो जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल यूरिन नॉर्मली जो है ये मसला नहीं होता, सही है, आप रूटीन एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन अगर आप रूटीन से एक्सेस एक्सरसाइज करवा दे, एक्सर्शन का मतलब ये है कि फोर्सफुली एक्सरसाइज करवा दे कि अगर उन्होंने 1 किलोमीटर दौड़ना है और उनका स्पीड 60 जो है मीटर या किलोमीटर या जो भी है उसी हिसाब से पर आवर, और उनको आप 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है दौड़ लगा ले, तो फिर वो मसला क्या होगा, उनको ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, सही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो क्रैम्प्स डेवलप होते हैं वो यही क्रैम्प्स होते हैं जो मसल्स? बिल्कुल यही क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन ये क्रैम्प्स जो है ये मसल्स की भी हो सकते हैं, लेकिन वो जरूर नहीं, वो लिगामेंट्स की भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं उसकी भी हो सकते हैं, क्या नाम है, टिंडांग की भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मसल की वजह से हो जाता है, जो कहते हैं ना मसल फुल हो गया, अक्सर लोग कहते हैं ना मेरे मसल फुल हो गए। जी जी एक्सक्यूज मी सर, ये वही चीज है। जी जी सर, वो आपने बताया कि अगर एक्सेस में एक्सरसाइज कर ली जाए तो उसके बाद सर वो एनारोबिक होती है, एनारोबिक फर्मेंटेशन की वजह से वो लैक्टिक एसिड बनता है, उसकी वजह से सर ग्लाइकोजन की सर मसल डिस्ट्रॉफी होती है, तो सर ये मायोग्लोबिन कैसे सर होती है डिस्ट्रॉफी, ये भी बता दें कि मायोग्लोबिन की ब्रेकडाउन कैसे होती है? मैंने आपको दो चीजें बता दिया, एक मसल की ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपको कहा कि अगर आप इन केस एक्सिस में कार्बोहाइड्रेट दे दें, अगर आप ग्लाइकोजन एक्सिस में दे दें तो दोनों कंडीशंस के अंदर हो सकते हैं, एक तो मसल ब्रेकडाउन होने की वजह से हो सकता है, एक आप एक्सिस में कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं वहां पर स्टोर हो जाते हैं, उस स्टोर कंडीशन के अंदर आप दोबारा अगर उनको एक्सरसाइज करवाएंगे जिसको हम मंडे मॉर्निंग डिजीज कहेंगे उसी के अंदर भी हो सकता है, सही है, सुन रहे मुझे सर? जी सर, वर्ड ऑफ पैथी, किस पैथी वर्ड का मतलब है, किस चीज का? ये पैथी वर्ड है, मायोपैथी है ना, जैसा कार्डियोपैथी भी होता है, इस पैथी वर्ड मायोपैथी मायोपैथी कहते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस इन मस्कुलर स्केलेटल मसल्स, जिस तरह हम कहते हैं मायोसाइटस, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन स्केलेटल मसल्स, और ये कहते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजेनरेटिव चेंजेस इन स्केलेटल मसल्स। यानी सर जब हम ये बात कहते हैं कि ये कार्डियोपैथी है तो कार्डियक मसल्स में डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, अगर हम कह देंगे कि मायोकार्डाइटिस है तो फिर उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे। ठीक है, सही सही है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, अगर हमने घोड़े को सर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट दिए और सर उस दिन उसने एक्सरसाइज भी की, अगले दिन सर हमने फिर उसे एक्सेस कार्बोहाइड्रेट दिए तो उसे सर एक्सरसाइज नहीं करवाई,
तो सर वो क्या इफेक्ट होगा उसका मायोग्लोबिन पे, आप दोबारा बता दें सर ये। कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप उसको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट दे, बता रहा हूँ, अगर आप उसको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं और उनकी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे तो सिर्फ उसकी बॉडी वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सर वो आपने मायोग्लोबिनुरिया को इससे लिंक किया था। मैंने आपको ये कहा कि इन केस अगर आप एक एनिमल है वो रूटीनली एक्सरसाइज करता है और आप उनको रूटीनली कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो वो नॉर्मली उनकी बॉडी से जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपने उनको कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा कर लिया और उसी अगले दिन आपने उनको जो है एक्सरसाइज करवा दिया तो उनकी बॉडी के अंदर जो है जो स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है तो वो उनके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। पहले से भी स्टोर था, अभी भी और भी स्टोर हो गया है, तो इनकी वजह से अब जितने भी क्रिकेटर देख लेते हैं वो मोस्टली प्रोटीनियस डाइट पे जो है ज्यादा जोर देते हैं। आप देख लेते हैं, कभी आपने देखा होगा कि वसीम अकरम कहते हैं कि हमने कभी भी चावल नहीं खाए हैं, हमने ये चीजें नहीं देखी। चावल सबसे बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। वो कहते हैं हमें जब भी मिलता था तो हमें प्रोटीन डाइट मीन कि आप मीट खा ले, आप जो है ये चिकन वाले मीट ले ले, ये चीजें ले ले, क्योंकि प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, उससे मसल बन जाते हैं, वो इधर स्टोर नहीं होता। आप जितने भी देखे हैं ना क्रिकेटर जो रोटी के ऊपर ज्यादा जो है इनिसार कर लेते हैं, जो चावल के ऊपर ज्यादा इनिसार कर लेते हैं, उनके अंदर जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज सबसे ज्यादा हो जाता है। सही है, सुन रहे हैं मुझे? जी जी सर सही है। एक कंडीशन आ जाता है जिसको सर ये जो मंडे मॉर्निंग को आपने एक्सप्लेन किया है कि रूटीन डेज में एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन वो जो नॉन वर्किंग डे पे भी सेम डाइट रख के दिया तो उसमें वो जो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में जा रहा है वो उसमें ग्लाइकोजन में स्टोर हो रहा है, अगले दिन वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रही है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, उस वजह से मायोग्लोबिनुरिया वगैरह हो रहा है। बिल्कुल इस तरह ही है। जी ठीक है, सही है। एक और जो है काज उसका है प्लांट जो है माइकोटॉक्सिसिटी। अगर प्लांट के अंदर कोई जो है इस तरह चीज मौजूद है जो फंगस इन नेचर है, मीन उसकी टॉक्सिन मौजूद है, माइकोटॉक्सिन मौजूद है, फंगस नहीं है लेकिन उसकी मायोटॉक्सिन मौजूद है उसके अंदर, तो वो भी जो है क्या कर लेते हैं, वो डीजेनरेटिव चेंजेस करवाते हैं मसल के अंदर। बेसिकली ये टॉक्सिन है, खुद फंगस नहीं है। अगर कोई भी टॉक्सिन मौजूद है एनिमल की जो है फीड के अंदर तो उसी की वजह से भी जो है मसल के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। सही है, इसके अलावा स्टेरॉइड की वजह से। यार जिस जो भी बंदा जो है वो होस्ट बन गया है, या तो मुझे होस्ट बना ले। कौन सा बंदा होस्ट है? अली मुराद है। होस्ट बन गए ना आप खुद जो वो सो रहे हैं किधर है, उनको कह रहे हैं मुझे होस्ट बना ले। अली मुराद आप मुझे होस्ट बना ले। अली मुराद मेरे ख्याल में उन्होंने जो है कैमरा जो है वो भी बंद कर लिया है, माइक भी म्यूट कर लिया और वो चला गया है। क्योंकि स्टूडेंट का सारों का मुझे टेक्स्ट आ जाते हैं सारे। अली मुराद सुन रहे हैं मुझे? यार पर्सनली इनको कॉल कर ले एक बंदा। सर मीटिंग क्रिएट आपने की थी तो आप खुद भी तो होस्ट बन सकते हैं। मैं अभी नहीं बन सकता ना, मेरा दूसरा लैपटॉप वाला जो है वो बंद हो गया है, तो ये उधर से था, अब मैं दोबारा होस्ट नहीं बन सकता, ये दूसरे मोबाइल के ऊपर हूँ। मीटिंग में कितना टाइम रह गया है? एनीवन जिनको नजर आ रहा है सर? 4 मिनट रहते हैं। 4 मिनट रह गए। 4 मिनट, चलो इसको खत्म कर लेते हैं सर, नई मीटिंग क्रिएट कर लें।